लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी। दरअसल चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। आयकर विभाग के प्रथम अपीलीय अथॉरिटी ने इस बात पर अंतिम मोहर लगा दी है। अब लालू के पास पटना एयरपोर्ट के पास स्थित बंगले और आवामी बैंक में नोटबंदी के समय खुले कई खातों की जब्ती कर दी गई है, जिसके बाद उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। एयरपोर्ट के पास फेयर ग्रो प्राइवेट कंपनी के नाम से 3.5 करोड़ का बंगला था। कंपनी में डायरेक्टर पद पर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां थीं। ये सभी 2014 से 17 तक कंपनी के डायरेक्टर पद पर थे। बताया जाता है कि यह कंपनी फर्जी थी। आयकर विभाग ने पिछले साल इसे सीज किया। वहीं नोटबंदी के समय पर एक मजदूर के नाम पर भी कई खाते आवामी बैंक में खोलकर उसमें लाखों रुपये जमा किए गए। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। इनमें से एक मामले पर वे सजा काट रहे हैं। इस बेनामी संपत्ति के जब्त करने के बाद अब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए और मुसीबतें बढ़ गई हैं। वेब 23 न्यूज़ के लिए अक्षय की रिपोर्ट।